जैन दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो असम राइफल में वैकेंसी आपका ट्रेडमैन की, तो अब 161 पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो आप 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आपका जो पीटी होगा वो 18 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। तो आपका टेक्निकल एंड ट्रेडमैन दोनों के लिए वैकेंसी दी गई है। आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो आप कैसे जो है आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पूछता है किस राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपको डालना है, एंड किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आप हवलदार है, नायब सूबेदार है, लाइनमैन है, प्लम्बर है, वारंट ऑफिसर है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते तो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन शो हो जाएगा कि आपके क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग है सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, आई एग्री कर लेना है, आई एग्री करेंगे एंड आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद पूछता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो हुआ आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डाल देना है यहाँ पे अपना। एंड आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट है, मंथ है, ईयर है, इस तरीके से आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है आपका रीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद का ही डालना है। किस राज्य से बिलोंग करते हो ऑलरेडी आपने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था। उसका पूछता है सिलेक्ट कम्युनिटी इफ एनी, आप जो गोरखा है, कुमायूं है, लद्दाख है, लेह है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे दिखाई देगा आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपका सबसे पहले हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है। तो देखिए इससे क्या आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो आपका विलेज कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा। एंड वो तो आपका पिन कोड क्या है एरिया का, वो डाल देना है। एंड आपको पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जाति पूछता है आपका जाति कौन सी है, तो आपको यहाँ पर जनरल है, एससी है, एसटी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो जाति यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो जाति है आपकी जनरल है तो जनरल में डाल देंगे, ओबीसी में जो भी आपकी है तो वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। एंड उसके बाद पूछता है आपको टेंथ किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑफ टेंट कितना था वो आपको डाल देना है, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है, किस ईयर में आपने पास किया है, परसेंटेज कितना था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं, ट्वेल्थ है, आईटीआई है, कोई भी और क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वालिफिकेशन चेंज होती है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो सेम रहता है। वहीं आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको पूछता है किसी ट्रेड कोर्स का आपके पास जो है अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं। उसका बताया डिक्लेरेशन अपडेट, आर यू एग्री, रिजल्ट ऑनलाइन, आपके पास रिजल्ट ऑनलाइन है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवांटेज नेम आ रहा है, एंड आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना। वही आपका फोटोग्राफ है तो आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी में 30 से 50 के भी। वहीं आपका डॉक्यूमेंट है, टेंथ की मार्कशीट 50 से 80 के बीच में होनी चाहिए। वहीं आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी क्या लगाना चाहते हैं वो आपको अपलोड करना होगा 50 से 80 के बीच में। एंड यहाँ पर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही है तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। उसका किस प्लेस से आवेदन कर रहे हैं वो डाल देना है, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। अब गलती है तो आप जो है यहाँ पर रिव्यू एंड एडिट कर सकते हैं, सही है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। एंड आप ओके करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस आपको कोई भी पे नहीं करना है। एंड आपको यहाँ पर क्या है अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप अपना यहाँ पर क्या आपको फाइनल सबमिट कर दिया, तो आपका यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना होगा एंड आपका फाइनल प्रिंट जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट एक्नोमेंट कर, यहाँ पे क्या आपको प्रिंट एक्नोमेंट
करना होगा। तो यहाँ पे प्रिंट एक्नोमेंट कर लेंगे तो आपको अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप अपना डाटा जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने प्रिंट दोबारा से लेना है आपको, तो यहाँ पे क्या आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर रिप्रिंट फॉर्म करना होगा। रिप्रिंट फॉर्म करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आप गेट डिटेल करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको प्रिंट सेव कर लेना है एंड आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। एंड वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।